मैं मुकेश डिंगरा अपने YouTube चैनल देसी कॉकटेल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर ब्रांडी की। आपने बचपन में से ये सुना होगा कि डॉक्टर ब्रांडी के बारे में, तो जब हम छोटे थे तब से आप सुनते आ रहे हो कि माता पिताजी, दादा दादी, जब कुछ सर्दी खांसी होती थी तो उनके मुंह से आप यही सुनते होंगे कि चलो इसे एक चम्मच ब्रांडी दे दो, दो चम्मच ब्रांडी दे दो। तो ये जो नाम है, काफ़ी पुराना नाम है डॉक्टर ब्रांडी, और डॉक्टर ब्रांडी के काफ़ी गुण है। ये एक दवा के रूप में पी जाती है, और इसमें ये नहीं कि कोई नशे के लिए आप पियो, ये डॉक्टर ब्रांडी सिर्फ आप दवा के लिए यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, ब्रांडी पीने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। ब्रांडी अगर आप पीते हो गर्म पानी में थोड़ा, तो और ब्रांडी हमेशा सोते समय से पहले लेनी चाहिए, सोने से पहले लेनी चाहिए, मतलब खाने के बाद रात को, और थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए, उसमें थोड़ी सी ब्रांडी डालिए, मतलब मामूली सी, तो उसमें सर्दी, जुकाम, गले की खराश, कफ, ये सब दूर हो जाता है। और अगर सर्दियों में कैसे बदन भी थोड़ा दुखता है, हड्डियों में थोड़ा दर्द रहता है, तो अगर ये गर्म पानी में डालकर आप थोड़ी ब्रांडी लेंगे तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा, हड्डियाँ मजबूत होती है। और एक बात है कि अगर विदाउट अगर आप पानी पीते हो, नीट ही पीते हो, तो वो ज़्यादा फायदे है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नीट नहीं पी सकते, थोड़ी कड़वी लगेंगे, इसलिए थोड़ा उसमें पानी यूज़ करते हो। तो आप पानी भी थोड़ा गर्म पानी यूज़ कीजिए, थोड़ा कोसा पानी करके उसमें थोड़ा ब्रांडी डाल के पीजिए, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, ब्रांडी भी हमें सीमित मात्रा में पीनी चाहिए, यानी कि 30 ml से ऊपर ना ले। और ये जो आप 30 ml लेते हो, इसमें ही फ़ायदा रहेगा। और पीते समय एकदम आराम से पीनी चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए, ना कि आप फट करके पी जाए। और ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, जैसे हम शराब पीते हैं वैसी ब्रांडी नहीं पीनी चाहिए, सिप सिप करके पियो और एकदम थोड़ी सी लेनी चाहिए, तो ही फायदे है, तो शरीर को काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ जाता है। मैं आपको यही कहूँगा कि बस ये जो ब्रांडी है उसे दवा समझ के पीजिए, शराब समझ के ना पीना। तो मैं ये सजेशन देता हूँ आप लोगों को कि घर में एक ब्रांडी की बोतल ज़रूर रखें। घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वो कभी खेल कर आते हैं बारिशों में, या कुछ गीले हो जाते हैं, सर्दी जुकाम बच्चों को लग जाता है ठंडियों में भी, तो आप एक छोटा बोतल, देखो मैं भी हमेशा एक छोटी बोतल ब्रांडी की हमेशा रखता हूँ, और मैं इसे सिर्फ दवा के रूप में यूज़ करता हूँ। हाँ, अगर जो बच्चा 5 से 10 साल के अंदर हो तो आप उसे एक चम्मच ब्रांडी दे सकते हो रात को सोने के पहले, और अगर बच्चा 10 से 20 साल तक हो, ऐसे बड़ा हो 10 के ऊपर, तो आप उसे 2 चम्मच भी ब्रांडी दे सकते हो, कोई और ऐसे ही दीजिए। नीट देंगे तो ज़्यादा फायदा है, सोते समय 2 चम्मच ब्रांडी दे दीजिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको, ये ब्रांडी का, डॉक्टर ब्रांडी। अब मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ। ब्रांडी के लिए छोटा ग्लास काफ़ी है, क्योंकि ये दवा के रूप में लेनी होती है, कोई ऐसे बड़ा ग्लास लेने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ कि क्या टेस्ट मिल रहा है। दोस्तों, हमें 30 ml लेनी चाहिए और उसके ऊपर नहीं, 30 ml काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने आपको आपके सामने 30 ml ली है, और अब मैं आपको इसका जो टेस्ट करके बताता हूँ कि इसमें क्या टेस्ट आ रहा है। तो चलिए, अब मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ, और थोड़ा नोजिंग करके भी आपको बताता हूँ कि मुझे क्या नोजिंग मिल रही है। दोस्तों, इसमें से मुझे हनी के नोट्स मिल रहे हैं, और थोड़े वुडी नोट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसको भी जब ब्रांडी को बनाया जाता है, इसे भी एच करके बैरल्स में रखा जाता है, लकड़ी के बैरल्स में काफ़ी टाइम, यानी 2 से 4 साल तक उसको रखना पड़ता है बैरल्स में, और वो वुडी बैरल्स होती है लकड़ी के, तो उसके कारण इसलिए जो ये स्मेल है इसमें से थोड़े मुझे वुडीनेस आ रहे हैं, और थोड़ा फ्रूट का भी आ रहा है स्मेल। चलिए, अब मैं आपको पी कर बताता हूँ कि मुझे क्या टेस्ट आ रहा है। स्वीटीनेस है, थोड़ा स्वीट ज़्यादा है इसमें, मीठा आ रहा है, और थोड़ा मुझे इसका हनी का तो आ ही रहा है, हनी
थोड़ा सा स्वाद आ रहा है और थोड़ा फ्रूटी का आ रहा है, फ्रूटीनेस ज़्यादा आ रहा है इसमें से मुझे। और मूढ़ी का आ रहा है, मूढ़ी नोट्स मिल रहे हैं। मैंने आपको वही कहा ना, ये मूढ़ी का आपको ज़्यादा आ रहा है इसमें से नोट्स। तो और ये पीते समय एक बात याद रखिए दोस्तों, कि सिप सिप करके पीना, ऐसे नहीं कि भाई हम शराब पी रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं पीना, और बस एकदम स्लो स्टडी पीना। तो उसमें क्या आपको बहुत जल्दी असर देंगे, आपको बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलेगा। ये दवा समझ के पीना, ये समझो कि हमको डॉक्टर ने दवाई दी है। और आप हमेशा मैं यही करती हूँ कि एक बॉटल आप ज़रूर रखना, कभी रात का वक्त होता है डॉक्टर नहीं रहेंगे कुछ, तो अपना ये बस बच्चों को और आप यूज़ करना दवा के रूप में। तो चलिए एक शायरी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। ना जख्म भरे ना शराब सहारा हुई, ना जख्म भरे ना शराब सहारा हुई, ना वो वापस लौटी ना मोहब्बत दोबारा हुई। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं जाते जाते यही कहूँगा कि डॉक्टर ब्रांडी एक बहुत ही अच्छी दवा है, सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है। गुड बाय दोस्तों।